दोस्तों, अगर आप यूए में आए हो जॉब सर्च करने के लिए, या आप यूए से बाहर और यूए आना चाहते हो, दुबई आना चाहते हो जॉब सर्च करने के लिए, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी दुबई के अंदर और वो कंपनी को स्विच करना चाहते हो, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ एक एप्लीकेशन है दुबई में जॉब सर्च करने वाला, ऑनलाइन जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन, जिसका नाम है स्किल बी। स्किल बी में कुछ प्लस पॉइंट है या कुछ नेगेटिव पॉइंट है, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ काम भी आ सकती है, कुछ चीज़ें नहीं काम आ सकती है। तो ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो में एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं अलाउद्दीन और आप देख रहे हैं अल्फा जून यूट्यूब चैनल। तो चलो बढ़ते वीडियोज़ में आगे। देखो दोस्तों, यहाँ स्किल बी ऑनलाइन जॉब सर्च करने का प्लेटफॉर्म है। इसे लॉगिन सिर्फ यूए नंबर से ही किया जा सकता है। अगर आप दुबई से बाहर है, यूए से बाहर है ना, तो वहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते, वहाँ के नंबर से लॉगिन नहीं कर सकते, यूए के नंबर से ही लॉगिन कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब प्लस पॉइंट क्या है, ये एप्लीकेशन पे किसी भी कंपनी को, किसी भी एचआर को स्टाफ हायर करने का रहता है ना, तो वो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हमें कितने बंदे की ज़रूरत है। तो ये एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट यही है कि अगर यहाँ से आपको जॉब लग जाता है ना, तो किसी एजेंट को एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री रहता है यहाँ पे जॉब सर्च करने का। किसी भी एजेंट को, किसी भी दलाल को कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता है, फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये इनका प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप घर में बैठे बैठे जॉब सर्च कर सकते हैं। जिस फील्ड का आपको हुनर है, उस फील्ड का जॉब घर में बैठे बैठे सर्च कर सकते हो। कहीं भी आपको जाना नहीं पड़ेगा, भाड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, किराया नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ की गर्मी तो जानते ही है, जब सामने से आपको सिलेक्ट करेगा ना, तब आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू लोकेशन पे। ठीक है, तो ये रहा दूसरा प्लस पॉइंट। आप बात कर लेते हैं मेन मुद्दा का, कि स्किल बी पे सही में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप वीडियो में बने हुए हैं ना यहाँ तक। तो बता दूँ, स्किल बी पे जो एचआर होते हैं ना, वो स्टाफ हायर करना चाहते हैं, तो उन्हें नीड रहता है एक से दो बंदे का। शायद ही कोई ऐसा होगा जो 10-10 का नीड रखता होगा, नहीं तो हाईएस्ट 2-3 बंदे का ही नीड रहता है उसको। और लोग ज़्यादा होने की वजह से अप्लाई जो कर देते हैं इस पे ना, हज़ार 2-2 हज़ार लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, तो एचआर भी परेशान हो जाते हैं किसको सिलेक्ट करें, किसको ना सिलेक्ट करें। तो मतलब इस उम्मीद से आपके चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। अगर आपका सीवी बहुत ही प्रोफेशनल है ना, तब एचआर जाकर आपको सिलेक्ट करेगा और आपको कॉल करके बुलाएगा कि इंटरव्यू पे आ जाओ। तो यही इसका नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा है कि यहाँ जो स्टाफ हायर करते हैं ना एचआर लोग, वो कम ही लोगों की ज़रूरत रहती है, एक ही दो बंदे। मतलब कोई दुकान वाला है, अब उसको 2-3 बंदे की ज़रूरत है, तो वो 10-20 तो हायर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ यही प्रॉब्लम रहता है, ये एप्लीकेशन पे जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन फिर भी ट्राई करते रहो यार। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई ना करोगे, हो सकता है आपका सीवी अच्छा हो, आपका हुनर अच्छा हो, आपका स्किल अच्छा हो, आप ही सिलेक्ट हो जाओ। तो ट्राई करते रहो, ट्राई करने में ज़्यादा क्या है। तो ठीक है दोस्त, ट्राई करते रहो स्किल पे। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन ज़्यादा है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, सिलेक्ट जरूर किए जाओगे। अगर आपका सीवी अच्छा है, आपका स्किल अच्छा है, अगर एचआर आपको देख रहे हैं सही से, आपका सीवी पे उसका फोकस पड़ा है कि आपका टैलेंट और हुनर अच्छा है ना, तो आपको सिलेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करते रहना है, घबराना नहीं कि कंपटीशन ज़्यादा है तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कहीं आप ही सिलेक्ट हो जाए। और हाँ, यहाँ कि आप दलाल से बच जाओगे अगर आपका यहाँ काम हो जाता है तो, क्योंकि यहाँ जॉब लगाने वाले जो दलाल लोग होते हैं ना, वो 1-1 हज़ार 1500-1500 दिरहम तक चार्ज करते हैं। बताओ कितना बड़ा अमाउंट लेते हैं सिर्फ जॉब लगाने का। तो ऑनलाइन ट्राई करते रहो, और भी बहुत सारा तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का, अगर आप लोग बोलोगे तो उस पर हम वीडियोस बना देंगे, बता देंगे कि ऑनलाइन किस तरीके से जॉब सर्च किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखे हो ना यार यूए इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा नीचे, बहुत ही अच्छा, उस पर भी मैंने यहाँ की स्टोरी निचोड़ा है, तो जाके देख लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक पर देखना चाहते हो हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हो। टॉपिक आपका, उसकी हकीकत हम बताएंगे, उसकी असलियत मैं निचोड़ूंगा आप लोगों के लिए। तो आप टॉपिक सिलेक्ट करके हमें बता सकते हो। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।